यूपी में शिक्षा विभाग अब सख्त हो गया है। शिक्षकों को ऑनलाइन फेस अटेंडेंस बनाने का फरमान जारी किया है। अब आनाकानी करने वाले शिक्षक सरकार के रडार पर है। शिक्षकों को हर हाल में डिजिटल हाजिरी के नियम का पालन करना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भारी विवाद चल रहा है। टीचर फेस रिकग्निशन सिस्टम यानी चेहरा दिखाकर हाजिरी लगाने का विरोध कर रही है, तो वहीं सरकार इस नियम को नहीं मानने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के मूड में है। आखिर क्यों हो रहा है विरोध, आइए जानते हैं। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस को लेकर विवाद चल रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लेट लतीफी और गैर मौजूदगी पर लगाम लगाने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। यूपी में टीचर डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे हैं और काली पट्टी बांधकर स्कूल में पढ़ा रहे हैं। डिजिटल हाजिरी न देने पर यूपी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। टीचरों को चेतावनी दे दी गई है कि अगर डिजिटल हाजिरी नहीं लगाएंगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी। इसके अलावा सरकार ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि 3 दिन तक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न कराने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कूलों में 2-2 टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं, जिसके माध्यम से टीचर स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले और बंद होने के 15 मिनट के प्रेरणा ऐप से डिजिटल हाजिरी लगानी है। शिक्षक इसी का विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पहले उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरी की जाए। शिक्षकों ने बीते सोमवार को स्कूलों में पढ़ाया तो, लेकिन काली पट्टी बांधकर। क्या है डिजिटल अटेंडेंस, आइए जानते हैं। दरअसल ऑनलाइन हाजिरी के लिए अगर स्कूल सुबह 8 बजे खुल रहा है तो टीचर्स को 7:30 से 7:45 तक के बीच अपनी फोटो टैबलेट से लेकर प्रेरणा ऐप पर अपलोड करनी होगी। लेकिन खास बात यह है कि ऐप इसी समय अंतराल पर एक्टिव रहेगा और वो भी स्कूल परिसर में होने पर ही अटेंडेंस के लिए इनेबल रहेगा। छुट्टी के समय भी यही व्यवस्था रहेगी। प्रेरणा ऐप 2:30 से लेकर 2:45 के बीच ही खुलेगा। हालांकि शिक्षकों के विरोध के बाद आधे घंटे का ग्रेस टाइम दिया गया है, यानी अब 8:30 तक अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। अब शिक्षकों का विरोध क्यों है, आइए वो भी जानते हैं। शिक्षकों का कहना है कि जिस समय ये व्यवस्था लागू की गई है वो गलत है। बारिश का मौसम है, कहीं बाढ़ में स्कूल डूबे हैं तो कहीं रास्ते, ऐसे में समय पर कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए शिक्षकों की मांग है कि हाफ सीएल की व्यवस्था हो जाए, ऐप 24 घंटा खुला रहे, 4 दिन देरी पर एक कैजुअल लीव काट ली जाए। शिक्षकों की ये भी मांग है कि आपात स्थिति में हाजिरी में ढीली दे दी जाए। शिक्षकों का कहना है कि छुट्टी के वक्त की तय सीमा गलत है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो शिक्षक कैसे जाएगा। इतना ही नहीं, ऐप लोकेशन भी कई जगह गलत बता रहा है। 1-2 मिनट की देरी में हाजिरी नहीं लगेगी।